Hey guys, नमस्कार आप लोगों का टॉपिंग क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैन पर स्वागत है। guys, आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान की और आज की टॉपिक रहने वाली प्यारे बच्चों ओम का नियम और साथ में प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक और उसी में एक लास्ट टॉपिक रहेगी विशिष्ट प्रतिरोध। अर्थात आज की क्लास में हम लोग तीन टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है ओम का नियम, सेकेंड टॉपिक है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, थर्ड टॉपिक है आपका प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। इन तीनों टॉपिकों को हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि इसी क्लास में कंप्लीट कर ले प्यारे बच्चों। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए हम समझ लेते हैं ओम का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों। तो ओम का नाम, पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था। इन्होंने अपने नियम में क्या बताया कि जब कोई आप चालक लेते हो, जब कोई आप क्या लेते हैं चालक, चालक वो होता है जिसमें धारा का प्रवाह होता है, जिसमें धारा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से होता है वो चालक कहलाते हैं प्यारे बच्चों। अब ओम ने बताया कि अगर इस चालक में कोई आई करंट प्रवाहित हो रही है, यदि किसी चालक में आई करंट प्रवाहित हो रही है तो ये जो धारा है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, यही ओम ने बताया था। तो प्यारे बच्चों अगर हम मान ले चालक के एक सिरा का नाम ए है और चालक के दूसरे सिरे का नाम क्या है वी है, चालक के एक सिरे का नाम ए है और दूसरे सिरे का नाम बी है जिसमें प्रवाहित धारा क्या आई है, तो ओम ने भैया बता दिए कि जो ये आई है वो प्रोपोर्शनल होगा वी के, वी ए बी, ए बी यहां क्या बताएगा ए और बी के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर, उत्पन्न विद्युत विभवांतर। ये फर्स्ट वर्ड में हम ओम के नियम की बात कर रहे हैं, अभी सेकंड वर्ड यानी दूसरे शब्दों में भी हम ओम के नियम को बात करेंगे। ओम ने क्या बताया कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा आई है, यदि किसी चालक में आई धारा बह रही है तो वो जो बहने वाली धारा आई है उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात चालक के सिरों के बीच जितना विभवांतर उत्पन्न होगा उतना ही धारा भी प्रवाहित होगी। ये आपका फर्स्ट वर्ड की परिभाषा है। अब सेकंड यानी दूसरे शब्दों में बात करें तो ओम ने दूसरे शब्दों में क्या बताया, उन्होंने बोला कि भैया आप ये जो चालक लिए हो ना, चालक के भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन मत कीजिए। अब कहेंगे सर जी भौतिक अवस्था क्या होता है, जैसे लंबाई हो गई, ताप हो गया, दाब हो गया, मतलब जो लंबाई लिए हो वो लंबाई लिए रहो, जो ताप है वही टेम्परेचर रहना चाहिए, जो प्रेशर है वही रहना चाहिए। ये नहीं कि आप ओम के नियम इस पे लगाना स्टार्ट किए तो आप इसका परिवर्तन हो जाए, ताप बदलता रहे या लंबाई बढ़ाते घटाते रहो, तो ऐसा नहीं होता। ओम ने बोला कि भैया अगर चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करोगे तो चालक में जो बहने वाली धारा होती है, जो चालक में बहने वाली धारा होती है वो लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। लगाए गए विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात हम कह दें आई प्रोपोर्शनल वी या वी प्रोपोर्शनल क्या होता है आई होता है। क्या आप इतनी बात क्लियर हो रही होगी, उम्मीद है कि आपको ओम के नियम को जो ओम का नियम जरूर समझ में आया होगा। भैया अगर हम मान लेते हैं कि ये मार्कर एक तार है, अब इस तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है तो ये जो आई धारा प्रवाहित हो रही है यदि इनके बीच का विभवांतर V है तो आई प्रोपोर्शनल V होगा, अर्थात V प्रोपोर्शनल क्या होगा I होगा। ये चीज वो बोल रहे हैं प्यारे बच्चों ओम ने। तो ओम ने क्या बताया कि यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं तो चालक में बहने वाली धारा चालक के बीच और चालक के सिराओं के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता, अर्थात जितना हम वोल्टेज लगाएंगे उतना ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। क्या इतनी बात क्लियर हो रही होगी प्यारे बच्चों। तो आइए हम ओम के नियम को लिख लेते हैं, रफली जो समझे हैं वो चीज वहां पर लिख लेते हैं। तो गाइज ओम का नियम आपको क्या कह रहा कि भाई यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो उसमें जो बहने वाली धारा होती है वो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात हम कह दे V प्रोपोर्शनल क्या होता है भैया I, V प्रोपोर्शनल क्या होता है I होता है। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो रही होगी प्यारे बच्चों, बिल्कुल। अब जहां ये प्रोपोर्शनल आया इसी को हम हटा देंगे, जैसे ही प्रोपोर्शनल को हटाएंगे एक नियतांक लगाएंगे जिसे हम कहते हैं आर, तो आई इंटू क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, आई इंटू क्या हो जाएगा आर आ जाएगा। आर क्या है प्रतिरोध है, आर क्या है प्रतिरोध है, या जिसे हम कह दे अनुक्रमानुपाती नियतांक है।
अगर मुझे आर की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आर की वैल्यू भी हम ज्ञात कर सकते हैं, आर आई को हम उठा के इधर कर दें तो क्या आ जाएगा, वी बटे आई बराबर आर आ जाएगा, ये आर का फार्मूला आ जाएगा। यदि आई का फार्मूला ज्ञात करना है तो प्यारे बच्चों हम आई का भी ज्ञात कर सकते हैं, आई को यहां कर दें आर को यहां कर दें तो भैया वी बटे आर हो जाएगा बराबर आई, मतलब आप आई भी आई का आई के रूप में भी हम उन्हें वी और आर के रूप में भी ओम का नियम, वी और आई के रूप में भी, और यहाँ तीनों के रूप में ओम का नियम है। इस प्रकार आपका जो ये ओम का नियम है प्यारे बच्चों वो आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बात आती है कि ओम के नियम पर आधारित आपके न्यूमेरिकल, तो प्यारे बच्चों ओम के नियम पे आधारित जो भी न्यूमेरिकल है वो आपके हाई स्कूल के एग्जाम में बहुत ही कम पूछता, रेयर केस में पूछता, परंतु जैसे ही हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो जो आपके एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है हम उनको जरूर सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करेंगे। ये जो भाई आर साहब आए हैं, ये जो आर है प्रतिरोध है, अब आपको लग रहा होगा कि ये आर जो है वी और आई पर निर्भर करता है, अभी हम आपको दिखाएंगे कि आर जो है वी और आई पर निर्भर नहीं करता है, आर जो है किसी दूसरे कारक पर निर्भर करता है। क्यों नहीं करता, अगर यहीं पर बात आ गई है कि भाई आर क्यों वोल्टेज और आई पर निर्भर नहीं करता, तो भैया ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे करंट बढ़ती चली जाती है, चूंकि वी प्रोपोर्शनल क्या होता है आई होता। तो भैया एक बार अगर हम बताएं कि अगर वी जो है हमारा 2 वोल्टेज था, वी जो है 2 वोल्ट था और आई भी 2 एम्पियर थी, क्या थी 2 एम्पियर थी, तो भैया आर का मान 1 आ रहा था क्योंकि वी बटे आई तो 2 बटे 2 कर दिए। यदि V बराबर हमने 4 वोल्ट किया तो भैया I भी तो 4 एम्पियर हो जाएगी तो R भी फिर 1 आ जाएगा। यदि V का मान हमने 8 वोल्ट रखा तो I भी 8 वोल्ट हो जाएगा तो R भी जो है 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि ज्यों ज्यों आप वोल्टेज बढ़ाते चले जाओगे त्यों धारा बढ़ती चली जाती है, इसलिए जो प्रतिरोध होता है वो सदैव नियतांक होता है और प्रतिरोध जो है बढ़ता न तो बढ़ता है न तो घटता है, इसलिए प्रतिरोध न तो वोल्टेज पे निर्भर करता है न तो आई पे निर्भर करता है। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो पा रही होंगी, तो उम्मीद है कि आपको ओम का नियम जरूर समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करते हैं कि आखिर प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो गाइस हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कारण हो सकते हैं कि जो किसी भी चालक में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो उस पर निर्भर करता। तो भैया सबसे पहली जो पॉइंट आती है वो जो पहली पॉइंट आती है वो होती लंबाई। क्या आती है, लंबाई। यानी जो चालक का प्रतिरोध होता है वो किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे निर्भर करता है। अब कैसा रिलेशन होता है लंबाई में, भैया अगर हम बताएं कि अगर चालक की लंबाई बढ़ाते जाएं तो प्रतिरोध बढ़ता जाता है, अगर लंबाई घटाते जाते हैं तो प्रतिरोध घटता जाता है, यानी इनमें अनुक्रमानुपाती का रिलेशन है, समानुपाती का रिलेशन है, अर्थात जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ता चला जाता है। प्यारे बच्चों अगर हम कहें कि अगर कोई 5 मीटर लंबा तार है और कोई 10 मीटर लंबा तार है तो किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा, अर्थात किसमें ज्यादा प्रतिरोध होगा, तो 10 मीटर लंबे तार में प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो इनमें ये पहला रिलेशन होता है, यानी मान ले जो तार का प्रतिरोध है वो R है ना, तो यदि किसी तार का प्रतिरोध, यदि किसी तार की लंबाई L हो, यदि किसी तार की जो है, ऐसे आप डायरेक्टली लिखो, जाने दो प्यारे बच्चों, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है भैया कि आप बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ जाएंगे, अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिरोध लंबाई के, क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है मतलब यहां हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध को R से व्यक्त करते हैं और R प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, L, लंबाई मान लिए L था। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो पा रही होगी प्यारे बच्चों, क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो रही है, R प्रोपोर्शनल क्या हो गया, L हो गया, समीकरण नंबर 1 मान देते हैं। अब दूसरी पॉइंट क्या है, क्षेत्रफल, क्या होता है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल, यानी जो तार का प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है।
अब अगर आपके मन में ये आ रहा होगा यार क्षेत्रफल बढ़ा दे तो तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, जी बिल्कुल ये गलत विचार है। क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध घट जाता है और क्षेत्रफल घटाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, मतलब इनमें उल्टा रिलेशन होता है और उल्टा वाले रिलेशन को हम व्युत्क्रमानुपाती नाम देते हैं। भैया ऐसा समझो कि ये कोई इतना मोटा तार था, ये कोई इतना मोटा तार था, बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन को जाने में आसानी होगी कि इसमें इलेक्ट्रॉन को जाने में आसानी होगी प्यारे बच्चों? तो आप हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन कम आसानी से जा सकते हैं। मैंने कहा इतना सा चौड़ा सा कोई गेट बनवाए हो, उस गेट में और एक इतना सा चौड़ा गेट है, बताओ किस गेट में आराम से आप जा सकते हो? जो चौड़ा वाला गेट है उसी में आप आराम से जा सकते हो ना प्यारे बच्चों, और ये कम चौड़ा है इसमें आपको जाने में जो कठिनाई आएगी, तो हम कह सकते हैं कठिनाई मतलब रुकावट। भैया इसीलिए तो बोल रहे हैं कि क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो रुकावट कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो रुकावट ज्यादा होगा। अरे यार रुकावट को ही तो साइंस के भाषा में हम आर का नाम देते हैं ना, और यहाँ क्षेत्रफल कम है तो आर क्या है? ज्यादा है। जैसे क्षेत्रफल कम हुआ वैसे आर ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए? अब बताओ जैसे ही क्षेत्रफल ज्यादा हुआ वो प्रतिरोध बाबू कम हो गए, यानी दोनों में उल्टा का रिलेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? भैया चल रहा है, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या इतनी बात आप क्लियर कर पा रहे होंगे? प्रतिरोध जो है ना वो क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता, मतलब जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रतिरोध घटता जाएगा, और जैसे जैसे क्षेत्रफल कम करोगे वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। प्रतिरोध क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इनको हटा लेते हैं और हम उनको लिख लेते हैं भैया गणितीय रूप में, क्या लिख देंगे? R प्रोपोर्शनल 1/A, ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो पा रही होगी प्यारे बच्चों? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। अब तीसरी पॉइंट हम बात कर लेते हैं, तीसरी पॉइंट होता है प्रकृति पर। किस पे भैया? प्रकृति, यानी प्रतिरोध जो होता है ना वो तार के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अब तार किसका बना है उसके ऊपर निर्भर करता है, लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबा का, जस्ता का, किसका बना है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो तार के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। क्या लिख सकते हैं? प्रतिरोध तार के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? तार के प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या करता है? निर्भर करता है। अगर हम अगली पॉइंट की बात करें और किस पे प्रतिरोध निर्भर करता है, भैया चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है ताप पर। किस पे आता है प्यारे बच्चों? ताप पर। अर्थात हम यहां ये कह सकते हैं कि जो तार का जो प्रतिरोध होता है वो ताप बढ़ाने पे बढ़ जाता है, मतलब कहने का मतलब है कि प्रतिरोध ताप के भी अनुक्रमानुपाती होता है। यदि हम तार का क्या करेंगे? ताप बढ़ाएंगे। यदि तार का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर, क्या यहां लिख दे रहे हैं? ताप बढ़ाने पर। क्या प्यारे बच्चों? ताप बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक, क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई? तो प्यारे बच्चों प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो चार कारक थे वो आपके स्क्रीन पे समझा दिए गए हैं। उम्मीद है कि आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। अब हमने कहा था भाई कि नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध की, तो आओ प्यारे बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध हम देख लेते हैं, छोटी सी टॉपिक है उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो गाइस ध्यान से देखते हैं, जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो प्यारे बच्चों ये जो समीकरण 1 और 2 मिलाए पाए हो आपने, वहीं से तो हमको विशिष्ट प्रतिरोध मिल जाएगा। तो हम हल करना चाहें तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं जरा सा बताओ? आर प्रोपोर्शनल यल तो है ही है, इंटू क्या है? 1/A है। तो अगर हम गुणा कर दें क्या आ जाएगा? R प्रोपोर्शनल
एल बटे ए आ जाएगा। भैया इन प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाते हैं, तो एक को नियतांक लगा लेंगे जिसे हम कहते हैं रो। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रो। और रो ही तो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, रो ही क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब हमको रो ज्ञात करना है, तो ए का गुणा इधरिया कर देते हैं, तो आर इंटू ए हो जाएगा, रो इंटू एल हो जाएगा। एल को भी उठा के जब इधर फेंक दोगे क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा, बटे में बराबर रो। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो फार्मूला है वो ये मिल जाएगा रो। इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रो कहते हैं, ध्यान से लिखिएगा। तो रो इक्वल टू आर ए बटे एल, जहां जो रो है वो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है प्यारे बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध है। इस बात को ध्यान देना आप। अब हम अगर बात करें विशिष्ट प्रतिरोध की मात्रक की बात या विशिष्ट प्रतिरोध की डिफिनीशन की बात, तो भैया ध्यान से देखते हैं। यदि हम बोल रहे हैं ए का मान, यदि एल का मान, यदि एल का मान 1 मीटर हो और ए का भी मान क्या हो? 1 मीटर वर्ग हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, और तो जो रो होता है, रो जो है आर के क्या होता है? बराबर होता है। यानी जो रो है वो कैपिटल आर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम यहां से आसानी से परिभाषा दे सकते हैं प्यारे बच्चों कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ध्यान से समझना, एकदम आसान वाली परिभाषा मैं बता रहा हूं, ऐसा डिफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, पूरे लाइफ में नहीं मिलेगी। देख लो मैंने क्या बोला कि याद रखना, जब L एक हो यानी 1 मीटर लंबा तार हो और उस तार का जो क्षेत्रफल है वो भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यानी अगर हम इसको अच्छे वाली लाइन में बोले तो क्या होता है? 1 मीटर लंबे तार व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तार के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? अगर मैंने कहा ये मार्कर 1 मीटर लंबा है, तो 1 मीटर लंबे तार और इसका जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो भैया 1 मीटर लंबे व 1 मीटर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तार के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो आइए हम विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिख लेते हैं। परंतु परिभाषा लिखने से पहले प्यारे बच्चों हम एक चीज जरूर ध्यान लेते हैं कि इनका मात्रक क्या होता है। भाई रो का जो मात्रक होता है वो तो बहुत आसान सा है, ध्यान से देखिएगा। आर का मात्रक क्या होता है? ओम होता है ना। और ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और प्यारे बच्चों एल का भी मात्रक मीटर होता है। 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो जो लास्ट वाला उत्तर आएगा, जो रो का मात्रक आएगा ना, वो आएगा ओम मीटर। क्या आएगा प्यारे बच्चों? ओम मीटर। अब हम विशिष्ट प्रतिरोध की क्या कर लेते हैं? परिभाषा लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखते हैं प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या है, या यहां पर लिख लेते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा यह है कि 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये रहा आपका विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आज की क्लास में मैंने जितने टॉपिक का चर्चा किया होगा वो सारी टॉपिक आपको जो है बिल्कुल मक्खन के जैसा क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको सारी चीजें आ गई होंगी तो आप इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो इस बार हाई स्कूल का एग्जाम देने वाले हैं यूपी बोर्ड से, तो भैया उनके पास शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रतिरोधों के संयोजन के साथ, जो कि आपके एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न पूछता है प्यारे बच्चों।
तब तक के लिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।